मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो गलत हो रहा है उसको उठाऊं। हमने गोमूत्र से कोरोना ठीक किया है। आप पीते हैं गोमूत्र? हाँ हाँ, मैं पीता हूँ। ये हमारे भाई है, ये पीते हैं। आपकी जानकारी पीते हैं गोमूत्र? सनातन धर्म की कल्पना बिना गाय के नहीं की जा सकती, लेकिन क्या गाय अपना मुकदमा लड़ने खुद जाएगी? ना तो हम जीते जी गाय को बचा पा रहे हैं और ना ही मरने के बाद। गौवंश से आधारित जब तक खेती नहीं होगी तब तक ये देश सर्वनाश की ओर जाएगा। देखिए, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ये खांसी जुकाम था, नॉर्मल। अभी नारोल में 23 साल का एक जवान गुजरा है हार्ट अटैक से। स्कूल के बच्चे अभी प्रेम राज मिस्टर इंडिया 40 साल की उम्र थी जो है हार्ट अटैक से गुजर गया। अप्रैल महीने में बिल गेट्स आता है, वो RBI गवर्नर से मिलता है, वो योगी जी से मिलता है, वो सीतारमन जी से मिलता है। वो हम बिल गेट्स को इतना क्यों भाव दे रहे हैं? आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो गया। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। अगर आप देखेंगे हमारे पीछे एक पोस्टर, वैसे तो तमाम लोग जंतर मंतर आते रहते हैं अपनी अपनी मांगों को लेके। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो बन गया है वो मणिपुर में जो आगजनी है वो बड़ा मुद्दा है, और पहलवानों का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है जो देश से लेके विदेशों को झकझोर के रख दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे पीछे, मैं अभी जंतर मंतर में मौजूद हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा पोस्टर पे जन आंदोलन अनशन धरना। तो आप लोग अनशन पे हैं? जी जी जी, भूखे हैं। देखिए, भूख की जहाँ तक बात है कि एक दिन के भूखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनशन जो है मानसिक भी है, संकल्प में भी है, शारीरिक भी है। अच्छा, तो इन लोग का अनशन धरना पोस्टर पे देखिए, 1 से लेके 11 तक इन लोगों की मांगे है, जिसमे से एक में देखेंगे लॉकडाउन और सेकेंड में वैक्सीन, अंग्रेजों द्वारा लूटा गया 400 ट्रिलियन और GST, स्विस बैंक, तमाम चीजें हैं। उनमें से एक और मुद्दा है कि 8वां जो अगर आप देखेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाकर संपूर्ण देश में गौ हत्या पर रोक लगाना। इतनी सारी आपने इतने भाषण दिए, आपको मैंने सुना है 2-4 मिनट, आपने एक भी 1 से लेके 11 तक में एक भी मुद्दे नहीं चलाए, लेकिन सिर्फ 8वें वाले मुद्दे पे ज्यादा फोकस किया है, गौ माता पे। क्यों? देखिए, इस देश के अंदर हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाने में सक्षम है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन गाय माता जिसे के बिना सनातन धर्म के किसी भी संस्कार को पूर्ण नहीं किया जा सकता, आज वो सबसे निरीह और सबसे ज्यादा समझ लीजिए वनरेबल इस देश के अंदर हो गई है। प्रधानमंत्री जी बनारस में अगर गौशाला के अंदर जाते हैं तो गाय का पूजन करते हैं। माननीय योगी जी भी देखेंगे तो उनके अपने उन्होंने अपनी गौशाला अपने अपने आश्रम में गोरखपुर में चलाई हुई है। उसके बावजूद जगह जगह गाय का कटना, जगह जगह गोकसी होना और मरने के बाद गाय का, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को कहा, आज तुम गाय के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, उसका अंग भंग खाल अलग करके बेच रहे हो, कल को तुम साइंटिफिक डिस्पोजल के नाम पे इंसानों के साथ भी यही व्यवहार करोगे, और दोबारा उन्हें बैटर अलर्ट नामा पेश करने के लिए 17 मई को ऑर्डर किया है। सवाल ये है कि गाय जो है, गाय देखिए हमारे जीने से लेके मरण तक का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी पूजा पद्धति है। सनातन धर्म की कल्पना बिना गाय के नहीं की जा सकती, लेकिन क्या गाय अपना मुकदमा लड़ने खुद जाएगी? क्या गाय अपनी सेवा के लिए खुद जाएगी? इसलिए गाय के जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, आज उस पर लड़ने के लिए हम लोग सामने आए हैं। गाय ही क्यों, भैंस भी तो है जो देता है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, यतो यतः समी हसे ततनो अभयम करु शन्ना कुरु प्रजा भयो भयन्ना पशु भया शशांतर भवतु। जो हमारे अंदर जीव है वो हर पशु के अंदर भी है, तो मात्र गाय का एक धार्मिक महत्व है। हम तो हर तरह की स्लॉटरिंग के खिलाफ है। जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960, वो तो ये कहता है कि आप कुत्ते को भी नहीं मार सकते, तो इसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं है। गाय का क्योंकि धार्मिक महत्व है और भैंस का जो है सांस्कृतिक महत्व है, हम तो हर तरीके की स्लॉटरिंग के खिलाफ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के अंदर अगर सबसे ज्यादा वैमनस्य या सबसे ज्यादा हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अगर कोई भी आदमी हिंदुओं को तंग करता है तो वो गोकशी करता है, भैंस की हत्या नहीं करता। और आप देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हर जगह के अंदर आप देखिए, ना तो हम जीते जी गाय को बचा पा रहे हैं और ना ही मरने के बाद।
नहीं नहीं जैसे आपने गाय की बात कही, जितनी तकलीफ गाय को होती, गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, और ज्यादातर अब जो भैंसों के दूध बाहर में भी मिल रहे हैं, गाय का दूध बहुत कम हो चुका है, गाँव में लोग पालते हैं, लेकिन भैंस जो है यहाँ पे अगर आप खाएंगे दूध तो भैंस के लिए आपके दिल में क्यों नहीं इज्जत है, क्योंकि भैंस भी तो दूध देती है। मैं आपको बताऊँ, हम लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड है, एक पक्षी का बच्चा भी गिर जाता है ना, हम उसको अपने पास रखते हैं और उसके बाद उसको जो हॉस्पिटल है उनका, उस हॉस्पिटल में सुरक्षित छोड़ के आते हैं। अगर कोई इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल जो स्ट्रे डॉग्स हैं, तो ये नहीं, पीड़ा सबके लिए है, लड़ाई सबके लिए है, लेकिन सवाल जो है, क्योंकि वो एक धार्मिक महत्व, आप देखिए कहीं आपने सुना है भैंस काट दी गई, कहीं आपने सुना है भैंसा भैया कटड़ा काट दिया गया, हर जगह आपको गौ हत्या की बात नहीं, नजर सुअर काटा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो सुअर, जहां मैं कह रहा हूं हर जीव की रक्षा होनी चाहिए, हर जीव की सुरक्षा। मुस्लिम अगर गाय, आपने कहा कि मुस्लिम ज्यादा खाते हैं या करते हैं, वो लोग सुअर नहीं, सुअर को वो लोग नहीं काटना चाहते हैं, सुअर को हिंदू काटते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को भी तो प्रोटेस्ट करना चाहिए कि सुअर को मत काटो। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, जो वो उन लोगों ने तय करना है वो क्या करना है, हम लोगों की सीधी सी बात ही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जब जानवर नहीं मरेगा, नहीं कटेगा, तो पूरा जानवर ही हो जाएगा फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रकृति अपना तंत्र करती है, जब कानून नहीं बनाता तब भी तो प्रकृति थी, जब कानून नहीं बनाता तब पर भी तो लोग खाते थे। देखिए बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो ज्यादा ही बकरा मुर्गा हो जाएगा। और बीइंग ए वीगन, वीगन का मतलब ये, हम तो गाय का दूध भी नहीं पीते हैं, हम ये मानते हैं कि गाय के दूध पे उसका अधिकार है, उसके बछड़े का है, आप समझ रही, हम लोग वीगन है, वीगन का मतलब गाय से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को नहीं, सब लोग आपके जैसे नहीं हो सकते। मैं नहीं कह रहा मेरे जैसे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या गया है कि हत्या जो है किसी की भी हो, चाहे वो बलि के नाम पे हो, चाहे वो सेक्रीफाइस के नाम पे हो, चाहे वो ईद के नाम पर हो, किसी भी तरीके की जो हत्या है, ये देखिए प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है, हम लोग प्रकृति में इंटरफेयर करके बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने मुर्गे, देखिए आप, कुत्ता है, कुत्ते का मांस नहीं बिकता, ठीक है, लेकिन बकरे का और मुर्गी का बिकता है, क्योंकि हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कानून बना लिए, ये जो कानून बने ये भी अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट है, तो जो चीज हम खाते हैं उसको हमने कानून से बाहर कर दिया, जो नहीं खाते उसको हमने कानून के अंदर कर दिया। जंगल के अंदर सारे जीव हैं, वह कौन नहीं आता देखने के लिए कि इनका एनिमल का बर्थ कंट्रोल कौन करेगा, ये क्या करेगा, लेकिन गाय का मुद्दा हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है, गाय हमारे जीने से लेके मरण तक के जितने भी हिस्से हैं वो उसका धार्मिक प्रतीक है, और बाकी के जो जीव है वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा ये कहना है। आपने बात की तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 11 मुद्दे इन लोगों ने लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ये लोग गाय को बचाने की बात पे कर रहे हैं। हम और भी लोग हैं, एक भगवा आ रही है, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरे साथ देख सकते हैं इन्होंने भगवा का रंग पहन रखा है, हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या मांगे हैं। नहीं, हमारी मांग तो ये है कि जो कोरोना जबरदस्ती लगाया गया टीका, कोरोना का साइड इफेक्ट था और उसको सरकार को समझाना था, तो सरकार ने बाध्य कर दिया, हमारा, हम तो कर्मचारी, हमारा वेतन रोक दिया, कोरोना का टीका नहीं लगवाए, और विवश हो गए, कोरोना का टीका हम लगवाए तो हमारा साइड इफेक्ट हो गया, नसों में तकलीफ हो गई, हमको इलाज कराना पड़ रहा है, बस यही समस्या है। नहीं, गाय का तो मसला ये है कि गौवंश से आधारित जब तक खेती नहीं होगी तब तक ये देश सर्वनाश की ओर जाएगा, औद्योगिकरण से देश का विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। गौवंश से आधारित खेती जब तक नहीं होगी तब तक देश का कायाकल्प नहीं होगा, शांति नहीं आएगी। हाँ, ये ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, इससे जो है रोग और बढ़ेंगे और लोग मरेंगे, इसलिए गौवंश से आधारित प्राकृतिक खेती की जाए और गौ को महत्व दिया जाए, गौ को राखी
प्रतिपक्ष घोषित किया जाए, गौ हत्या बंद हो और नंदी से बैल से खेती हो जिसमें डीजल का उपयोग न हो, वायु प्रदूषण न हो और सक्सेस नहीं होती है और स्वावलंबी जीवन हो, कृषि जो है स्वावलंबी हो। अगर आपकी कोर टीम है, अगर वैक्सीन लगी पहले के वक्त में भी आप क्रांतिकारी रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आत्मा अदर अमर होती है, आत्मा नहीं मरती है और शरीर शिकार हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी आ रही है अंदर, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है। सुखदेव राजगुरु मंगल पांडे आप देखिए तमिलनाडु में एक विवेक नाम का एक्टर हुआ है कॉमेडियन, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना गया वैक्सीन का और 24 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 डॉक्टरों की टीम आती है, बोलती है वैक्सीन का कोई रोल नहीं है इसमें। इसी तरह 10 साल के बच्चे स्कूल में हार्ट अटैक आने का क्या मतलब है, आज तक कभी नहीं देखा हमने 13 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है। चार धाम की तीर्थ यात्रा में रोज 3 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बिल्कुल और कोई कारण नहीं है इसका। हमने आरटीआई करी थी मुंबई में, लोग बोलने लगे कि हार्ट अटैक तो पहले भी आता था, तो आरटीआई करी मुंबई में तो स्पष्ट हुआ कि वैक्सीन के बाद 6 गुना हार्ट अटैक बढ़ गए। सरकार ने अच्छा नहीं किया। नहीं, इसका तो आप देखिए आइवरमेक्टिन एक नोबेल प्राइज विनिंग वैक्सीन है, मेडिसिन है आइवरमेक्टिन, इसके जो साइंटिस्ट है उनको नोबेल प्राइज मिला। जो जेनरिक दवाई है 5-10 रुपए में कट्टा मिलता है, इसके बारे में बोला गया कि ये मगजलन जहर है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को लीगल नोटिस भेजा गया इस बात के ऊपर, उन्होंने वो तुरंत अपना ट्वीट डिलीट किया जिसमें बोला था कि आइवरमेक्टिन मत लेना, रेमडेसिविर जिसके देखिए कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, खांसी जुकाम था नॉर्मल। कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.01% कुछ है, इससे तो भयंकर भयंकर बीमारियां हैं। आपका ये जो टीवी है, टीवी कोरोना से बहुत खतरनाक है, लेकिन आप कितनी बार टीवी में देखते हो कि टीवी फैल गया, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर फैल गया। देखिए जिस इतना आर्मी के जो सोल्जर हैं इतना वो युद्ध में नहीं मरते हैं जितना अभी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अभी नारनौल में 23 साल का एक जवान गुजरा है हार्ट अटैक से, स्कूल के बच्चे अभी प्रेम राज मिस्टर इंडिया 40 साल की उम्र थी जो है हार्ट अटैक से गुजर गया, वॉलीबॉल प्लेयर बास्केटबॉल प्लेयर परसों गुजरी। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, आप लोग सरकार सरकार बताए अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार चाहते हैं। देखिए हम जो सरकार के अच्छे मुद्दे हैं उस पर सपोर्ट करेंगे, जो गलत मुद्दा है 2024 में कौन बनना। देखिए ये हमारा जो भी जनता का जो मुद्दा है हम उठाने आए हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं तो मोदी के खिलाफ है, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो गलत हो रहा है उसको उठाऊं। मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है कि भैया मैं कुछ बोलूंगा नहीं गलती, जो हम ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि ये पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रहे, कौन सी भी पार्टी नहीं बोल पा रही कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ रहा है, क्यों नहीं जो है मीडिया में जो चलाया गया। अभी आप देखिए पिछले महीने चलाया जा रहा था कि 500 लोगों को आ गया कोरोना, 1000 लोगों को कोरोना आ गया, जैसे ही WHO ने बोला कि आज इतने बजे से कोरोना खत्म, उसके बाद जो है मीडिया में आ नहीं रहा है। मीडिया झूठा अफवाह फैला रहा है, मीडिया जो है उसका कई लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पीछे से पैसा आ रहा है। आप देखिए जो मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं, मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी ने आप देखिए प्रेस रिलीज में भी बोला, आप देखिए अप्रैल महीने में बिल गेट्स आता है, वो RBI गवर्नर से मिलता है, वो योगी जी से मिलता है, वो सीतारमन जी से मिलता है, वो हम बिल गेट्स को इतना क्यों भाव दे रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, हम किस लिए मिल रहे हैं उससे। अब आप देखिए अप्रैल में मिल के जाता है, मई में 2000 का नोट बंद हो जाता है, ये क्या साठगांठ है, ये किसकी तरफ इशारा कर रही है। आप तो ये बताइए कि आप किसके, कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की। नहीं, हम तो जनता सरकार मोर्चा, हमारे लोग पार्टी भी बना रहे हैं और हम नेता बनना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, हम किसी मोदी जी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम तो मोदी जी को वोट करने वाले हैं, सपोर्टर हैं, और जो भी नेता बनना चाहते हैं। यहाँ नहीं मैडम, हम नेता नहीं बनना चाहते, हम गौ भक्त हैं, गौओं के लिए गौ भक्त हैं। हाँ, तो भैंस और कुत्ते का क्या होगा? मैं प्रणाम करता हूँ। भैंस और कुत्ते में कोई कुत्ते का दूध पीता है क्या? भैंस का पीता है तो भैंस का दूध है, लेकिन गाय का दूध क्या है? गाय का दूध अमृत है, अमृत है ना। इसमें देखिए हम भैंस को माता नहीं बोलते, गाय को माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, माँ शब्द जो है गाय से आया है। क्या बोलेंगे, वही तो मैं पूछ रही हूँ, भैंस
देखो एक लड़की एक औरत है वो मेरी माँ भी है, एक औरत मेरी घरवाली है, एक औरत मेरी बेटी है, सबके साथ अलग अलग रिश्ता है ठीक है ना। तो भैंस को देखो भारत माता के लिए हम दूध बकरी का भी पीते हैं, दूध भैंस का भी पीते हैं, दूध मोटी गायों का पीते हैं, लेकिन उनको माँ नहीं बोलते, हम गाय को माँ क्यों बोलते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ, गाय को माँ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय का जो गर्भकाल है 9 महीने 9 दिन है जैसे मनुष्य का है और भैंस का 10 महीने है। हाँ तो उसके और जो माँ शब्द है वो बछड़े से आया, बछड़ा माँ बोलता है, माँ बछड़ा माँ बोलता है, इसलिए वो शब्द भी वहीं से आया है। समय का इंतजार था और वो समय, भैंस एक जीव है, हम जीव हत्या के खिलाफ है, भैंस एक जीव है, लेकिन माँ माँ हम गाय को बोलते हैं। गाय के गोबर में गणेश जी है, हिंदू की पहचान क्या है? गोत्र, गोत्र माने गौ माने गाय, त्र माने रक्षा, तो इसलिए गोत्र। भारत की आजादी की लड़ाई का 11 मुद्दे लेकर आए हैं, गाय खाते हैं उसके लिए क्या करें? हमारे बिल्कुल गलत है, ये धर्म के विरुद्ध है। गाय आप देखिए भारत की आजादी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? जो लोग गाय खाते हैं उसको क्या, उनका गाय खाते हैं उनको बैन किया जाए, उनको सजा दी जाए। आप कुछ नहीं खाते हैं? बकरी उबरी खाते हैं कि नहीं? मीट अंडा दारू कुछ नहीं खाते हम, कुछ नहीं खाते हम। हमारे जो लोग मुर्गा उर्गा खाते हैं पुलिस वाले भाई हैं, इनको खाने के लिए तो प्रकृति की और भी अच्छी है। अगर हमसे कोरोना ठीक है, हमने गौमूत्र से कोरोना ठीक है, ये जो पंचगव्य विभाग है भारत सरकार का, उन्होंने बोला की 800 लोगों को पंचगव्य से कोरोना ठीक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कानून डिपार्टमेंट सरकार का है, उन्होंने मीडिया में रिपोर्ट में आपको अभी दिखा सकता हूँ गूगल पे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 800 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ और पंचगव्य से उनका कोरोना ठीक किया गया। मैं आपको अभी न्यूज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, अगर गौमूत्र से कैंसर भी ठीक हो सकता है। हाँ आप देखिए ना, ग्रीवियर कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में 1 रुपए में कैंसर ठीक करता है। अमित वैद्य जो एक फॉरनर था उसको 4 स्टेज का कैंसर था, जब उसको पता डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है, हम कहाँ बोल रहे हैं अमेरिकन पेटेंट क्यों ले रखे गोमूत्र? अमेरिकन पेटेंट है गोमूत्र के ऊपर, 6 पेटेंट है और गुजरात यूनिवर्सिटी ने साबित किया है गोमूत्र के अंदर सोना है। बिल्कुल गुजरात यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आप सर्च करिए गूगल पे, और 6 पेटेंट है, इंटरनेशनल पेटेंट है, कैंसर ठीक करने में इसको लाभदायक पाया गया है। जितनी भी गाय बाहर में घूम रही है उसको पकड़ के उसका सोना निकाल लिया। आप गोचर भूमि देखिए, गुड़गांव में 100 सेक्टर है, दिल्ली में भी सेक्टर है, हर गांव के अंदर गोचर भूमि है। हमारा मुद्दा है कि गोचर भूमि गाय को दो, क्यों नहीं है गाय का? अब हमारे मीडिया ने सिखा दिया कि देखो गाय, एक सवाल पूछना है, गाय का जब बछड़ा हो जाता है, बछड़ा जब हो जाता है गाय का, तो उसको क्या करते हैं? उसी प्रकार से बछड़ा हो जाता है, हमारे यहाँ पे बोला गया दोहन, दोहन माने दो गाय का, दो थन का दूध लेना है, दो का बछड़े को पिलाना है, नंगे पैर चल करके उसको बछड़े को दूध पिलाना है। अभी आपने देखा सेंगू बछड़े का क्या करते हैं? बछड़े का क्या, बछड़े बछड़े के जो है उसको खेतों में खेतों की चिड़िया कहना। आप गोचर भूमि दो ना, आप सेंगुल एक बछड़ा जो सात सेंगुल जो पार्लियामेंट में उसका इतना हुआ बछा है कि देखो उसकी पूजा की गई, उसकी तो हम इतनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन बछड़े का हम पूछ रहे हैं बछड़े का क्या कर रहे हैं? भगवान कोई का बहाने नहीं, कोई कोई आके कहेगा कि बकरी के दूध में बहुत गाय के दूध से भी ज्यादा फायदेमंद बकरी का दूध है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अच्छा दूध कौन सा है, प्रधानमंत्री है यदि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? ये बोलने लगे कई लोग आए अंग्रेज उनके पास, बोले महात्मा गांधी ये तो नॉन वेज है, दूध पीते हैं आप, ये तो नॉन वेज है, आयुर्वेद आचार्य है, अगले दिन ही वो बोले महात्मा गांधी ने शपथ ले ली मैं आज से बोला गाय का दूध नहीं पीऊंगा। आप ये बताओ कि बकरी का दूध ज्यादा फायदेमंद है और वो बकरी को कोई आके बोलेगा बकरी हमारी मौसी लगती है तो क्या आप उसको मतलब रखेंगे पकड़ पकड़ के पालेंगे बकरी को? जैसे आपने कहा कि गाय हमारी माता है, उसी तरह कोई आके बोलेगा बकरी मेरी मौसी है, मेरी भावना हाथ हो रही है, बकरी को पकड़ के रखो तो रखेंगे? देखिए हम प्रमाणिक बात करते हैं, हम मनगढ़ंत बात नहीं करते। बकरी की दूध में तो ज्यादा ताकत है। नहीं हम कब कह रहे हैं बकरी को काटो, हम कब कह रहे हैं, हम मना कब कर रहे हैं? देखो महाभारत में महाभारत में आपको अपने गाय को कुछ हमें क्या मतलब
लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो गया। आप अपनी जानकारी के लिए बता दूं, आप कैल्शियम कॉफी के बारे में जानते हैं? कैल्शियम कॉफी सुनिए, गौमूत्र से अगर कोरोना ठीक हो रहा है तो डॉक्टरों के पास मत जाइए, गौमूत्र पीजिए, स्वस्थ रहिए। हाँ तो प्रमाणिक बोल रहे हैं ना, हम तो आपको डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। आप पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं? हमने ठीक करे, कोरोना ठीक किया हमने सैकड़ों लोगों का। आप पीते हैं? हाँ हाँ मैं पीता हूँ, ये हमारे भाई हैं ये पीते हैं। आपकी जानकारी आप पीते हैं? कितनी बार दिन में? दिन में एक या दो बार। दो बार गौमूत्र पीते हैं? बिल्कुल। और आप भी पीते हैं? और हमने गौमूत्र पी के डेड बॉडी उठाई है कोरोना में, गौमूत्र पी के। अरे वाह। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, एक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कहलाती है कैट सेट कॉफी। वो क्या होता है कि बिल्ली जो होती है वो बीज खाती है कॉफी के, और उसके जो मल में वो जो बीज आ जाते हैं उससे वो कॉफी बनती है, और उसका एक कप 1,00,000 रुपए का बनता है। अरे वाह। लेकिन हम उसके बारे में नहीं बोलते कि भैया अच्छा 1,00,000 का वो पीते हो। देखिए ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनके तमाम मुद्दे हैं उधर, आप अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे तो जन आंदोलन अनशन धरना 11 मांगे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पी के हमने कोरोना भगा दिया और हम लोग सुबह शाम गौमूत्र पीते हैं। हालांकि आप लोगों की इस पे क्या खबर है, हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।